हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 2017 और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला एडिटोरियल है वो किससे रिलेटेड है। आज का जो पहला एडिटोरियल है, पहला आर्टिकल है, वो मास शूटिंग को लेकर आया है जो लास वेगास में हुई थी रिसेंटली, उसको बारे में ये आर्टिकल आया। तो उसके जो पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या सीनेरियो है, मतलब हमारे लिए जो इसमें एग्जाम में हम पॉइंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं या कहीं आंसर राइटिंग में यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मास शूटिंग जो लास वेगास में यूज़ के बारे में देख लेते हैं कि एक तो ये लोन वोल्फ अटैक था। अब आपको ये बताता हूँ कि लोन वोल्फ अटैक क्या होता है। लोन वोल्फ अटैक वो होते हैं जो कि किसी दूसरी आतंकवादी गतिविधि को देख के किए जाते हैं, जैसे कि मतलब उनसे कोई डायरेक्टली उनका लिंक नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान सकते हो कि जैसे अभी ये जो ISIS से रिलेटेड जो इंसान था, कोई भी इंसान है जो कि ISIS की जो स्ट्रेटजी है, उसकी रणनीति अगर उसको उसको फॉलो कर रहा है, उससे स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो क्या करेगा डायरेक्टली अगर उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता है तो वो उनकी जो रणनीति है कि वो कैसे वो लोग अटैक करते हैं IS के, कैसे किस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं और फिर कैसे मतलब वो आगे की एक्शन है वो कर रहे हैं, तो मतलब प्रॉपर जो उनका प्लान है वो उनको फॉलो करके अटैक करता है। जबकि रियल लाइफ में उस इंसान का जो भी आतंकी संगठन होता है उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके के जो अटैक होते हैं वो लोन वोल्फ अटैक होते हैं, मतलब उनकी स्ट्रेटजी होती है, जो बड़े आतंकी ग्रुप होते हैं किसी भी आतंकी ग्रुप की स्ट्रेटजी को फॉलो करके जो आतंकी हमले किया जाता है या जो हम अटैक किया जाता है उसे लोन वोल्फ अटैक किया जाता है। अब ये लोन वोल्फ अटैक किसी भी तरीके से किया जा सकते हैं और इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। पहचानना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि एक तो अकेले इंसान के द्वारा किया जाते हैं नॉर्मली, कि उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। कि अब आप खुद जानते हो कि अगर एक इंसान कोई स्ट्रेटजी बना रहा है अपने मन में तो उसकी स्ट्रेटजी कोई देख भी नहीं सकता। अगर 5-6 लोगों का ग्रुप हो, वो कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो ऑब्वियसली पुलिस उनको देख मतलब उनको कवर करने की कोशिश कर सकती है, कोई ऑप्शंस होते हैं पुलिस के पास फिर भी। बट अगर एक अकेला इंसान अगर लोन वोल्फ अटैक कर रहा है तो उस कंडीशन में पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो उसको ट्रैक कर पाए ऐसे कि आतंकी हमलों को। और सेम वही हाल हुआ लास वेगास में। आपको मेनली पता है कि USA की जो लास वेगास सिटी है ये काफ़ी पॉपुलर सिटी है और ये मेनली जो कैसिनो वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है, और इसीलिए वहाँ पे भी म्यूजिक शो चल रहा था रात को, उसी दौरान ये आतंकी हमला हुआ था जिसमें अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास लोगों की जानें चली गई और 500 से ज़्यादा लोग हैं वो घायल हो चुके थे। अब जो हमलावर था उसने मशीन गन से हमला किया था, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ जाने गई हैं। अब इसके पीछे क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये वहाँ पे इतने लोगों की जानी गई हैं जाने गई हैं, तो वो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इन पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडिया में सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि इंडिया में इजीली गन है वो अवेलेबल नहीं होती है। और भी पहले हम कारण डिस्कस करते हैं, फिर इंडिया का पॉइंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहला कारण ये दिया गया है कि वहाँ पे USA में गन है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। जैसे अपने यहाँ पे सब्ज़ी मंडी में आलू टमाटर मिलते हैं, सेम वैसे ही वहाँ पे गन है वो मिल जाती है लोगों को इतनी इजीली, इसलिए वहाँ पे अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। और आपने देखा कि USA में जो आतंकी लोन वोल्फ अटैक की जैसी घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2016 में भी, पिछले साल भी एक अटैक हुआ था चर्च के ऊपर, उस दौरान भी अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास लोगों की जाने गई थी, और इस बार अब सेम अटैक हुआ है। तो मतलब अटैक है वो लगातार इसलिए बढ़ जा रहा है कि वहाँ पे एक तो गन है वो लोगों को इजीली मिल जाती है, और फिर दूसरा है कि वहाँ पे एथिकल इश्यू वैल्यूज़ हैं वो भी बहुत कम है, इसकी वजह से जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। फिर दूसरे लोगों के प्रति भी वहाँ पे नफ़रत का भाव है, एटिज्म है, जिसकी वजह से अटैक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर अगला ये दिया गया है कि लोग हैं वो अपनी मतलब फास्ट और जो ग्लोरियस लाइफ होती है उसको जीने के चक्कर में क्या है कि जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो उसके चक्कर में वो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके इसके बेवजह में भी वो लोग आतंकी गतिविधियाँ उनको अंजाम दे देते हैं कुछ लोग, तो ये भी एक रीज़न होता है। फिर अगला जो चौथा रीज़न है वो ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आज के ज़माने में लोग है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। वो अब सिर्फ अपने आप को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ है उसे ग्लोरियस मतलब काफ़ी चमकाने के लिए, बहुत जल्दी ऊपर पहुंचने के लिए, मतलब ऊपर पहुंचने का मतलब यहाँ पे है कि बहुत अच्छी वेलस तक की जो लाइफ है उसे जीने के चक्कर में वो लोग सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भूल जाते हैं, तथा आतंकवादी जैसी गतिविधियाँ उनको अंजाम दे देते हैं। तो ये कुछ कारण है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में भी, कि आतंकवाद जो लोन वोल्फ अटैक हैं ये क्यों होते हैं वहाँ पर ज़्यादा। तो ये पॉइंट्स इंडिया के नज़रिए से हम देखें तो एक्चुअली इंडिया का जो नज़रिया है वो आर्टिकल में डिस्कस नहीं किया गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में लोन वोल्फ अटैक इसलिए नहीं हो पाते हैं ज़्यादा, ज़्यादा क्या नॉर्मली होते ही नहीं है यहाँ पे, वो इसीलिए नहीं होते कि यहाँ पे तो गन वगैरह वो इजीली नहीं मिलती। आपको पता है गन के लिए इंडिया में बहुत लाइसेंस लेने की बहुत जो प्रक्रिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, लाइसेंस इजीली मिल ही नहीं पाता है, तो लोग अटैक कहाँ से करेंगे जब ऐसी कंडीशन होगी। तो फिर जो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किया आर्टिकल में आए थे वो क्या, बाकी तो जो इसमें पॉइंट थे आर्टिकल में वो मेनली वहाँ की पॉलिटिक्स वगैरह के पॉइंट थे जो हमें हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल है वो इन्फ्लुएंजा वायरस को लेके आया है, जिसे नॉर्मली फ्लू वायरस भी कहा जाता है।
अब यह एक बिग पब्लिक चैलेंज बन गया है इंडिया के लिए फिलहाल। तो यह नॉर्मली थोड़ा बता देता हूँ आपको पहले इसकी जो कंटेक्स्ट और हिस्ट्री वगैरह कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वह मेनली 3 टाइप का होता है, ए बी सी, फिर इसमें भी सब टाइप होती हैं, जैसे ए के अंदर H1N1 H1 H2N2, इस प्रकार अलग से सब कैटेगरी या सब टाइप है वो बनी होती हैं। अब देखो ये वायरस का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका आपको बताता हूँ कि एक तरीके से कैसे डेवलप होता है। जैसे कि किसी भी इंसान के अंदर सबसे पहले H1N1 वायरस बना, अब वो उस इंसान में अगर H1N1 वायरस बना और उसके बाद उसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ मेडिसिंस दी गई, तो धीरे धीरे जो वायरस है इंसान के अंदर वो वायरस क्या है कि जो दवाइयाँ उसे दी गई हैं उन दवाइयों के प्रति उसका असर धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। मतलब वो अपने आप को एक एंटी रेजिस्टेंस बना लेता है उन दवाइयों के प्रति और एक नया वायरस बन जाता है। तो H1N1 से बन जाएगा नया H2N2, इस प्रकार क्या है कि वो धीरे धीरे म्यूटेशन होता रहता है उसमें, और इसी प्रकार ये जो श्रृंखला है नई चैन है इन्फ्लुएंजा वायरस की ये बढ़ती रहती है, और इसी सिक्वेंस में वायरस धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो पुराने वायरस हैं उनको अगर ड्रग्स दिए जाते हैं उनको, मतलब ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाएं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपने आप को रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और म्यूटेशन हो जाता है उनमें, तथा वो नए वायरस है वो बन जाते हैं, तो उन पर नई दवाइयों का असर नहीं हो पाता। फिर उनके लिए नई इंजीनियरिंग रिसर्च करनी पड़ती है और नई मेडिसिन बनानी पड़ती है, फिर ऐसे ये प्रोसीजरें चलती रहती है। तो अभी आर्टिकल में H1N1 जो स्वाइन फ्लू है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और तो हम देख लेते हैं क्या एक H5N1 होता है जो कि बर्ड फ्लू होता है, जिसके बारे में हमें थोड़ा पता होना जो यहाँ पे आया हुआ था इसलिए हमने डिस्कस किया। अब जो इंडिया में H1N1 की जो केस है वो 2009 में काफ़ी ज़्यादा केस रहे थे, 2009 में इंडिया में काफ़ी तबाही फैलाई थी H1N1 वायरस ने। अब यहाँ पे कुछ डाटा भी दिया गया है, आर्टिकल कह रहा है कि 2015 में अप्रोक्सीमेट 2,990 लोगों की जान चली गई थी H1N1 के वायरस की वजह से, और जबकि 2017 में अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ये वायरस, और अभी तक अप्रोक्सीमेट 1,873 जो लोग हैं उनकी जानें जा चुकी हैं, मतलब 100 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और ये आर्टिकल कह रहा है कि ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, और 2016 में भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, बट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर ढंग से मतलब जांच वगैरह वो नहीं कर रही है, और जो डाटा वगैरह है रिलीज वगैरह वो नहीं कर पा रही है, इस वजह से ये जो डाटा है यहाँ पर काफ़ी कम दिखा रखा है। अब आर्टिकल के आगे कुछ पॉइंट राइज कर रहा है कि जैसे जो H1N1 वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बट गवर्नमेंट इसकी तरफ है वो कोई फिक्स कदम है वो नहीं उठा रही है, और ना ही इसकी तरफ है कोई जो मेडिसिन प्रोग्राम है वो चला रही है, ना ही कोई वैक्सीन प्रोग्राम चला रही है लोगों के लिए ताकि इससे लोगों को छुटकारा मिल सके। अभी आर्टिकल कह रहा है कि रिसेंटली जितने केस बताए गए हैं इससे भी ज़्यादा केसेस सामने आएंगे अगर गवर्नमेंट प्रॉपर ढंग से सर्विलेंस जाँच वगैरह करेगी तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोई किसी को फीवर वगैरह हो जाता है तो 20% तो बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी बीमारी होगी, और उनमें 20% केस यही होते हैं जो कि वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होते हैं। तो उस कंडीशन में काफ़ी लोगों की रहस्यमयी मौत हो जाती है, और फिर वो लोग डॉक्टर वगैरह से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, काफ़ी लोग उससे कनेक्टेड लोग हैं वो, जिसकी वजह से ये समस्या धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। और गवर्नमेंट है वो रूरल क्षेत्र में वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो भी आगे नहीं बढ़ा रही है, जिससे समस्या और ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। अब आगे फिर आर्टिकल कह रहा है कि प्री मेडिकल ट्रीटमेंट है उसकी तरफ गवर्नमेंट को कोई फोकस नहीं कर रही है, जब लोग बीमार हो जाते हैं, जब लोगों को स्वाइन फ्लू के से मतलब पीड़ित हो जाते हैं तब वो हॉस्पिटल जाते हैं, तभी उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, वह तभी उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है। जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं ग्रामीण लेवल में जिनको अगर जो स्वाइन फ्लू वायरस है उसके वो लोग पीड़ित भी होते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वगैरह नहीं जा पाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, अवेयरनेस का इशू रहता है, तो ऐसे कंडीशन में उनकी वहीं मौत हो जाती है, तो उनका डाटा गवर्नमेंट के पास सही नहीं। तो आर्टिकल फिर ये बात कह रहा है कि जो रियल डाटा है जो रियल मौत है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर ढंग से सर्विलेंस वगैरह नहीं कर रही है, और रूरल क्षेत्र में ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास सबसे बड़ी कमी है वो है अवेयरनेस की, कि लोग हैं उनको अवेयर नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही उनके पास इतने साधन है कि वो इन चीज़ों के बारे में जान पाए, इन वायरस के लक्षणों वगैरह के बारे में। वो नॉर्मली आम बीमारी क्या समझ लेते हैं या फिर सोचते हैं कोई रहस्यमय बीमारी हो गई है, और इसी के एवज में वो अपनी जान है वो जोखिम में डाल देते हैं। फिर आगे आर्टिकल कह रहा है कि H3N2 वायरस है वो पहले से इंडिया में एक्टिव है 2009 से पहले, बट गवर्नमेंट इस वायरस की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और गवर्नमेंट है वो H1N1 के केस है वही मतलब सर्विलेंस में लेके आती है। H3N2 के जो केस है वो 2016 में काफ़ी केसेज आए थे, बट गवर्नमेंट ने उन केसों को मतलब मद्देनजर रखा ही नहीं, जिसकी वजह से जो डाटा है वो काफ़ी कम से हो रहा है। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि जो गवर्नमेंट रियल डाटा है वो ट्रैक नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट है भी इस समस्या को गंभीर नहीं ले रही है। फिर रूरल क्षेत्र में जो भी बताया कि अनजान में काफ़ी डेथ हो जाती है, कि लोग रहस्यमयी मौत समझ लेते हैं इनको, फिर उनमें पता नहीं होता है कि स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी है, वो नॉर्मली मेडिसिन लेते हैं बट उनको राहत नहीं मिलती है,
और फलस्वरूप उन लोगों की मौत हो जाती है। फिर आगे आर्टिकल कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं जैसे यूएसए वगैरह, यूके वगैरह, ये अपने जो डाटा है क्लिनिकल ट्रायल वगैरह का, ये पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं करती हैं, जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस वगैरह का इशू रहता है और लोग एक ऐसे तरीके के बारे में नहीं जान पाते हैं, एक मैकेनिज्म को उनका उनको पता नहीं होता है कि हमें किस तरीके से स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से बचना है। और उसके फलस्वरूप यह होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज़, वहाँ पे इसके जो स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट है वो काफ़ी देरी से आता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें हैं वो चली जाती है। तो फिर आगे आर्टिकल लेंथ में वे फॉरवर्ड में यही कह रहा है कि गवर्नमेंट को एक सीरियस एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस दिशा में प्रॉपर कदम उठाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अभी से सीरियस नहीं लेगी तो बाद में गंभीर समस्या बन के सामने आ सकता है, और धीरे धीरे इसके केसेज हैं वो इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को अगर अभी से स्टेप नहीं उठाए गए तो बाद में एक बड़ी महामारी के रूप में विकट समस्या पैदा हो सकती है। तो ये थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है वो पुलिस रिफॉर्म को लेकर आया है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं क्या है। एक्चुअली 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी, नई गाइडलाइन, जिसके तहत पुलिस रिफॉर्म को कंपलसरी करने की बात की गई थी, बट अभी तक किसी भी स्टेट ने जो पुलिस रिफॉर्म के जो 2006 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उन्हें मान्य नहीं किया है। केवल कुछ गाइडलाइंस हैं जो 2015 में एक्सेप्ट की गई है, वो भी टूटे फूटे तौर पे। जैसे 2015 में जो इंडियन पुलिस फाउंडेशन है वो तो बना दिया गया ताकि पुलिस में रिफॉर्म लेके आए जा सकें, बट केवल वो फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया, रियल लाइफ में उसका कोई जो काम है वो है ही नहीं। मतलब रियल लाइफ में जो उसका रियल काम था वो तो हो ही नहीं रहा है, केवल नाम नाम की बॉडी बना दी गई, और उसका जो हकीकत का काम है वो तो केवल डॉक्यूमेंट्स में कागजी कार्रवाई में ही रह गया है। अब 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जो उसके कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। एक्चुअली हमने पहले प्रकाश सिंह जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के पॉइंट है वो डिस्कस भी किए थे। जो प्रकाश सिंह कमेटी है वो पुलिस रिफॉर्म को लेकर आई थी, इसके पहले पॉइंट हम डिस्कस किए हुए हैं। अगर नहीं किए, अगर आपको लगता है कि नहीं पहले आपने वीडियो नहीं देखा है, तो हम एक बार फिर वापस डिस्कस कर लेंगे संडे के लेक्चर में, या जब भी एडिटोरियल वगैरह में किसी दिन का एडिटोरियल आएंगे तो उस दिन हम उन पॉइंट्स को वापस डिस्कस कर लेंगे रिवाइज वगैरह। तो जो अभी आर्टिकल में फ्यू पॉइंट्स है वो ये हैं कि जैसे 2006 की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है पुलिस रिफॉर्म के लिए, उनमें पहला पॉइंट ये था कि डीजीपी की जो कार्यकाल है वो कम से कम 2 साल के लिए फिक्स किया जाए। फिर काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है, जैसे नई पार्टी चुन के आती है किसी भी स्टेट में, तो सबसे पहले डीजीपी का ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया अभी रिसेंटली यूपी का, कि यूपी में जब से नई गवर्नमेंट बनी है अभी, तो नई गवर्नमेंट ने बनते सबसे पहले डीजीपी का ट्रांसफ़र किया है। तो वो आर्टिकल कह रहा है कि डीजीपी का जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए फिक्स होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो गफलेबाजी है वो कम हो सके, जो पॉलिटिशियन का जो इफेक्ट है वो पुलिस में कम हो सके। और अगला पॉइंट ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर और जो इन्वेस्टिगेशन है इन दोनों को अलग अलग किया जाए, क्योंकि काफ़ी बार क्या है, लॉ एंड ऑर्डर और जो इन्वेस्टिगेशन है वो दोनों काम एक ही बॉडी को दे दिए जाते हैं, एक ही पुलिस को दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों काम मिक्सअप हो जाते हैं और कोई भी काम प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। मतलब ओवर बर्डन हो जाता है, और ओवर बर्डन की कंडीशन में ना तो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन किया जा सकता है, और ना ही इन्वेस्टिगेशन का काम है पुलिस के द्वारा वो किया जाता है। तो मतलब इसी के साथ अगला पॉइंट यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन होते हैं उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो अपनी पॉलिसी है वो प्रभावित करते हैं बार बार, और पुलिस को काम करने से रोकते हैं। और फिर अगला ये है कि जो कंप्लेन अथॉरिटी बनाने की बात की गई थी, कि एक प्रॉपर कंप्लेन अथॉरिटी बनाई जाए पुलिस के लिए, ताकि अगर कुछ भी इश्यू होता है तो उसके ऊपर उसका सोल्यूशन किया जाए, और ऑनलाइन FIR का बात की गई थी। तो ये तो कुछ जो पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि पुलिस रिफॉर्म के लिए 2006 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत हैं। बट आर्टिकल कह रहा है कि केवल गाइडलाइन है, केवल कागजों में सिमट के रह गए, रियल लाइफ में इनका अभी तक कोई अस्तित्व नहीं आया है। क्योंकि फिर आगे आर्टिकल कुछ पॉइंट कह रहा है कि लोगों का भरोसा है वो धीरे धीरे पुलिस से कम होता जा रहा है, क्योंकि पुलिस है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रही है। पुलिस प्रॉपर ढंग से काम इसलिए नहीं कर पा रही है कि राजनीतिक पार्टियों का इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पुलिस है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम है वो नहीं कर पा रही है। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया कि यूपी में DGP का जो ट्रांसफ़र है वो हो गया, मतलब जो भी नई गवर्नमेंट बनी तो नए DGP हैं उनकी अपॉइंटमेंट की गई। फिर यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है कि बिहार में जब नीतीश कुमार जब नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने DGP का ट्रांसफ़र नहीं किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो वहीं पे एक पॉजिटिव रूप भी दिखाया गया है कि हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें पुलिस में मतलब बार बार इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, फिर पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो ऐसी कंडीशन में दोनों अलग अलग रहेंगे तो ही जो प्रॉपर ढंग से काम है दोनों बॉडीज वो अपना काम कर पाएंगी। फिर आगे आर्टिकल कह रहा है कि जो कुछ लोग हैं उनका इसीलिए मानना होता है कि CBI जाँच है उसको आगे तवज्जो दी जाए,
पुलिस है उस पर तो लोगों का भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पुलिस तो आजकल आपको पता है काफ़ी करप्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग हर काम में बार बार सीबीआई की जांच करवाना चाहते हैं। बट आर्टिकल कह रहा है कि सीबीआई है वो भी ज़्यादा दूध की धुली हुई नहीं है, क्योंकि उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर कहा था कि वो भी एक तरीके से पिंजरे में बंद तोते की तरह हालत है उसकी, तो उसकी वजह से उसमें भी काफ़ी कुछ कमी है, तो उसमें भी रिफॉर्म लाने की सख्त ज़रूरत है। तो आर्टिकल कह रहा है कि पुलिस में इसी के साथ सीबीआई दोनों में एक साथ रिफॉर्म लाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम है वो सीबीआई का है, इसी के साथ पुलिस है उसका काम भी इन्वेस्टिगेशन का, तो दोनों एजेंसीज का काम है, वो अलग अलग क्षेत्र में है, तो इन दोनों को अपने अपने क्षेत्र में ध्यान रखना चाहिए और दोनों में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है और वहाँ पर रिफॉर्म लाने चाहिए। फिर आगे आर्टिकल कह रहा है कि लोकपाल है वो भी अभी तक धरा का धरा रह गया है, काफ़ी सरकारें बदल चुकी हैं बट केवल वो भी कागज़ों में ही सिमट के रह गया है। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोकपाल को लागू नहीं करना चाह रही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां वो नहीं चाहती कि उनकी उनकी जो सत्ता का जो पावर है, जो उन पावर है सत्ता के ऊपर, वो धीरे धीरे उनकी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोकपाल के आने से लोगों के सामने पारदर्शिता है वो सामने ज़्यादा आ जाएगी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टियों को ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा और वो अपनी वोट बैंक की जो रोटी सेकते हैं वो नहीं सेक पाएंगी, तो इसकी वजह से वो लोकपाल को लागू नहीं करवाना चाहती है। और अब आगे आर्टिकल वे फॉरवर्ड में यही कह रहा है कि अब टाइम आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर सख्त रूल अपनाने होंगे, सख्त फैसले लेने होंगे, तथा पुलिस में और जो एडमिशन रिफॉर्म है वो लेके आने होंगे, तभी एक नए देश की संकल्पना है वो की जा सकती है। तो ये थोड़े जो कुछ पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जो पुलिस रिफॉर्म के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट्स थे जिन्हें हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। अब अगला जो आर्टिकल है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है कि इंडियन इकोनॉमी वो स्लो डाउन हो रही है, इसके पीछे क्या क्या कुछ रीजंस हैं। एक्चुअली हम किसके इस आर्टिकल के काफ़ी पॉइंट हैं वो पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये आर्टिकल हर वीक आता है इससे, मतलब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर लेके, तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, जो इस बार कुछ नए पॉइंट्स हैं हम केवल वही यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल कह रहे हैं कि कई बार इकोनॉमी है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करती है, जबकि सारे हालात हैं वो सब ठीक होते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो मार्केट में जानबूझ के ऐसी हालात में मंदी आ जाती है, जो कि एक देश के लिए गंभीर समस्या बन सकती है, और फिलहाल यही हालात हो रखा है इंडिया के लिए, कि इंडिया की इकोनॉमी के जो कंडीशंस नहीं होती हैं वो सारी कंडीशंस ठीक हैं, लोगों के पास पैसा भी है बट लोग हैं वो खुल के सामने आ नहीं रहे हैं, लोग प्राइवेट इन्वेस्टर वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी है वो अभी फ़ायदा नहीं देगी, मतलब लोगों का इंडियन इकोनॉमी है उस पर भरोसा उठ गया है अभी धीरे धीरे फिलहाल, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, लोगों को प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो अभी ऐसे हालात में बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए आर्टिकल कुछ पॉइंट्स बता रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह में। जैसे कि पहला पॉइंट ये कहेगा कि फिजिकल पॉलिसी है उसको प्रॉपर ढंग से यूज़ करना चाहिए, मतलब जो राजकोषीय घाटे की जो पॉलिसी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर ढंग से अगर यूटिलाइज़ किया जाए, यूज़ किया जाता है, तो इस घाटे जो इस मंदी के जो हालात हैं, जो भी मतलब मार्केट मंद हो रखा है, इससे उभरा जा सकता है। जैसे आर्टिकल कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है गवर्नमेंट के द्वारा वो खर्च किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनके पास पैसा और ज़्यादा है और उनको मतलब मोटिवेशन मिले कि हाँ पैसा खर्च करेंगे, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। तो लोगों को मेन काम ये है कि लोगों को मोटिवेशन दिलाना है कि लोग मार्केट में अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकें, जब तक लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे तब तक देश की इकोनॉमी है वो आगे नहीं बढ़ सकती। या फिर दूसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं कि जो बड़े टैक्स हैं उनको कम कर देते हैं, जैसे कॉरपोरेट टैक्स वगैरह, इनको अगर कम कर दिया जाता है तो ये हालात होंगे कि इंडिया में एफडीआई वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपको पता है कि कॉरपोरेट टैक्स वगैरह अगर कम कर दिया, जैसे अभी रिसेंटली आप एग्जांपल लो कि 30% कॉरपोरेट टैक्स है, अगर उसे 20% कर दिया जाता है तो मार्केट में क्या है, नई कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा आएंगी, फॉरेन एफडीआई वगैरह वो भी ज़्यादा आएगी कि मार्केट में, क्योंकि जब टैक्स कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंपनियों को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उसकी वजह से इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, तो अगर टैक्स कम करती है गवर्नमेंट तो उससे लोगों का मन का जो भ्रम है कि इकोनॉमी में फ़ायदा नहीं हो रहा है वो भ्रम टूट जाएगा और इकोनॉमी अपने ट्रैक पे आ जाएगी। फिर दूसरा रीज़न ये देता है आर्टिकल कि इस बार जो इकोनॉमी में हालात मंदी हो रही है इससे बचने का, वो ये दे रखा है कि आरबीआई की जो पॉलिसी है, जो मॉनिटरी पॉलिसी है, उसको स्मूथ करना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार, कैसे आरबीआई जो रेपो रेट वगैरह है वो कम कर दे, ताकि मार्केट जो बैंकों के पास वो पैसा ज़्यादा आए, और अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो कस्टमर्स को इजीली सस्ते में लोन देंगे, तो बैंकों अगर कस्टमर्स के पास मतलब जो मार्केट में लोगों के पास लोन का पैसा आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो मार्केट की जो जो इकोनॉमी है वो अपनी इंडिया की वो आगे ट्रैक पर आ जाएगी। तो ये पूरा साइकिल है जो हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, ये साइकिल ट्रैक पर आ जाएगा और इकोनॉमी है वो अपनी फिर ट्रैक पर आ जाएगी।
फिर आगे आर्टिकल कह रहा है कि गवर्नमेंट को इन हालातों पे ध्यान रखने देना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट इन हालातों पे ज़्यादा फोकस ना करे और जो इंडियन इकोनॉमी है वो मंदी की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि अभी मंदी के हालात इतने नहीं बढ़े हैं, अभी केवल इकोनॉमी सुस्त है। अगर मंदी के हालात शुरू हो गए तो देश के लिए गंभीर समस्या बन सकती है और इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो गवर्नमेंट को जीतना होगा और इन्वेस्टर्स का भरोसा है वो वापस बढ़ाना होगा, ताकि इकोनॉमी में वो लोग इन्वेस्ट कर सकें और जिससे इकोनॉमी आगे बूस्ट हो सकें। फिर आगे आर्टिकल कह रहा है कि जो बैड बैंक के द्वारा जो एनपीए की समस्या का समाधान करने की बात की गई थी उसका सोल्यूशन भी अभी तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से कस्टमर है वो मार्केट में जो इन्वेस्ट है वो नहीं कर पा रहे हैं। वो इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके पास पैसा एक तो है नहीं, और दूसरा है कि जो बैड बैंक का इश्यू है उसकी वजह से जो बैंक है वो लोन देना नहीं चाह रहे हैं, कि उन्हें डर लग रहा है कि पहले इतना एनपी हो चुका है हमारा, अगर हम ज़्यादा लोन देंगे फिर लोन वगैरह रिफंड रिटर्न नहीं हुआ तो हमारे ऊपर ज़्यादा समस्या आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी गवर्नमेंट को यह स्टेप उठाने की ज़रूरत है कि जो बैड बैंक है उसका निर्माण किया जा सके, ताकि जो एनपी की समस्या है उसका समाधान किया जा सके। या बैड बैंक क्या है तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो चलो एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कि जैसे बैंकों का जो एनपीए है उस एनपीए को, मतलब एनपीए वो लोन है कि जो अभी तक उनके पास रिटर्न नहीं हुआ है, तो उस एनपीए को ये बैड बैंक है ये उस बैड बैंक उस लोन को खरीद लेंगे जो एनपीए का पैसा है उसको, फिर उससे कम रेट में खरीद लेंगे। जैसे किसी का हज़ार, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान सकते हो कि एसबीआई का 1000 करोड़ रुपये का एनपीए पड़ा है, तो अगर उसे ये बैड बैंक है ये 800 करोड़ रुपये में खरीद लेंगे, तो फिर 800 करोड़ रुपये में से कुछ प्रॉफिट उनको भी हो जाएगा, और इससे फ़ायदा ये हो जाएगा 800 करोड़ रुपये से कि जो SBI बैंक है इसको एटलीस्ट 800 करोड़ रुपए तो मिले ना, अदरवाइज़ वो 1000 करोड़ रुपए पूरे लॉस में जाते हैं। क्योंकि देखो बैंकों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो लोन को वापस रिकवर कर पाएँ, क्योंकि बैंकों का मेन काम होता है वो लोन रिकवर नहीं होता, बैंकों का मेन काम होता है लोन देना और इसके बाद में और भी बैंकों के जो कोर जो बैंकिंग होती है फैसिलिटीज उनकी तरफ भी बैंकों को फोकस करना होता है। तो बैंक यही नहीं होता कि कस्टमर के पास जा के डेली डेली लोन है वो रिकवर कर सके, उसके लिए डेली एप्लीकेशन दें, ऐसे जो प्रोसीजर वो अपनाएं। इसलिए बैड बैंक एक प्रॉपर अलग से दूसरे बैंक बना दिए जाएंगे जो कि जो डिफ़ॉल्ट ऐसे लोन है कि जो वापस नहीं हो रहे हैं वो लोनों को रिकवर करेंगे, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद की जो नीति है उसके द्वारा जो लोन है उसको रिकवर कर लेंगे। और उसके लिए बैंक गवर्नमेंट है वो काफ़ी नई पॉलिसी भी बना रही है, बैंकरप्सी कोड भी लेके आई थी, तो ये सब उसकी हेल्प से ही बैड बैंक को आगे बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट। बट अभी तक बैड बैंक का उसका केवल मतलब बात की गई है, प्रॉपर ढंग से उसे अप्लाई नहीं किया गया है, और जब तक बैड बैंक नहीं बनता है तब तक एनपी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। फिर आगे आर्टिकल वो कुछ चार पॉइंट बता रहा है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा वो कैसे जीता जा सकता है मार्केट में। तो ये कुछ चार पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, और ये एग्जाम में हम डायरेक्टली आंसर राइटिंग में सीधे के सीधे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एग्जाम में डायरेक्टली आप कहीं ना कहीं इनको चिपका सकते हो सीधे, काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये कहा गया कि बैंकों के पास है वो पैसा आना चाहिए किसी भी हालत में। अब बैंकों के पास पैसा किसी हालत में कैसे रखें, या तो दो ही ऑप्शन है, या तो बैंकों को रिकैपिटलाइज कराया जाए, मतलब बैंकों को पैसा वो दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर दूसरा है कि जो बैड लोन है उसका समाधान किया जाए, कि अगर बैड बैंक है उसको बनाया जाए ताकि उसके जो बैंकों का एनपीए है उसका सोल्यूशन हो जाए। अगर एनपीए का सोल्यूशन हो जाएगा तो बैंकों के पास कुछ पैसा मार्केट में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो लोगों को लोन पे पैसा दे सकेंगे, जिससे उनको भी फायदा हो जाएगा और लोग हैं उनको भी फायदा हो कि वो भी अपनी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगला दूसरा पॉइंट ये है कि जो वेजेज पे जो सब्सिडी है वो दी जाए लेबर्स को, अगर वेजेज पे सब्सिडी दी जाएगी लेबर्स को ताकि इससे सबसे अच्छा फायदा होगा कि इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि हाउसिंग सेक्टर है इसको आगे मतलब बढ़ाया जाए, हाउसिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो है कि लैंड रिफॉर्म है वो किया जाए, मतलब जो हाउसिंग कंपनीज हैं जो हाउसिंग घर बनाती हैं जो कंपनियां, उनको लैंड वगैरह प्रोवाइड करवाए जाए ताकि वो लोग घर वगैरह बना सकें, और जब वो लोग घर बनाएंगे घर सेल करेंगे तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि मेजर सेक्टर है जो इंडिया का वो हाउसिंग पे टिका हुआ है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा पिलर है हाउसिंग अपने आप में एक, इसलिए हाउसिंग सेक्टर पे हमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो भी काफ़ी सुस्त चल रहा है। और चौथा पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। देखो एक्सपोर्ट है वो फिलहाल काफ़ी कम हो रखा है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी इंडियन रुपीज जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर इंडियन रुपीज स्ट्रॉन्ग होता है तो इम्पोर्ट तो हमारा बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट है वो कम हो जाता है। तो अभी गवर्नमेंट को एक्सचेंज जो रेट है उसको मैनेज करना चाहिए इस तरीके से ताकि एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया जा सके, मतलब एक्सपोर्ट के लिए लोगों को सब्सिडी वगैरह मुहैया करवानी चाहिए, जिसकी वजह से जो मार्केट में FDI का पैसा है वो भी आएगा और इसी के साथ जो फॉरेन करेंसी है वो फॉरेन जो है वो भी इंडिया का बढ़ेगा। और फिर इसमें इसी के साथ एक अगला पॉइंट ये कह दिया गया कि जो GST रिफंड है उसको भी तुरंत गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए,
क्योंकि अभी तक ये है कि जो जो लोग हैं एक्सपोर्ट करते हैं उनको जीएसटी का रिफंड है वो तुरंत नहीं मिल पाता है। अब जीएसटी का रिफंड उन लोगों को तुरंत नहीं मिलता है, काफ़ी डिले हो रहा है जीएसटी रिफंड में। तो उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास पैसा नहीं बचा पॉकेट में, तो उसकी वजह से वो अपना बिजनेस है वो आगे एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि जो जीएसटी का रिफंड है वो तुरंत मतलब उनको प्रोवाइड करवाया जाए बिजनेसमैन के या जो भी एक्सपोर्टर हैं उनको, जिसकी वजह से वो लोग अपना जो बिजनेस है वो आगे एक्सटेंड कर सकें। तो ये आज के आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। आज एक आर्टिकल और आया था सीरिया को लेके, तो उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम कल के वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नहीं, कुछ दो चार पॉइंट्स हैं वो हम कल के लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू। और हाँ दोस्तों, पीडीएफ है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।